पूजा शर्मा जी पीलीभीत से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी सभी लोग कहते हैं कि अपने घर के मंदिर के विग्रह के दर्शन सभी लोगों को नहीं कराने चाहिए, क्या ऐसा सत्य है? महाराज जी मैं इस भावना से कराती हूँ कि ये मेरे घर के ही सदस्य हैं, क्या मेरी भावना गलत है या महाराज इसमें क्या तो सुधार? लोगों को तो कुछ भी कहने का अधिकार, कुछ भी बोले, हम ये देख रहे हैं तस्मात शास्त्रम प्रमाणम थे। शास्त्र प्रमाण क्या है? हमारे घर के मालिक हैं, उनसे मिलने के लिए किसी को भी निषेध नहीं। हमारे घर में जो आया है, हमारे घर के मालिक कौन है? प्रियालाल है, ठाकुर है हमारे, तो हमें तो लगता है सबसे पहले उन्हीं के दर्शन कराने चाहिए। अगर कोई भी आया है तो सबसे पहले तो हमें यही भावना करनी है ना कि ठाकुर का ये महल है, ठाकुर यहाँ विराजमान है, आप उनके यहाँ आए हो, हम सेवक हैं, आपकी सेवा करें, सबसे पहले मालिक की दंडवत करो। ये कैसे बात हमारी तो समझ में नहीं आई। हाँ किसी का भाव हो सकता है, अलग हो सकता है। कुछ लोग महाराज जी आते हैं वो कहते हैं कि कमरा अलग होना चाहिए, भगवान हमारे ऐसे नहीं खुले में नहीं होने चाहिए, पर्दा लगा के रखना चाहिए। वो उनका भाव है, हमारे ठाकुर जी हमारे पास जगह नहीं तो अपने साथ शयन कराएंगे, अपने सिराने विराजमान कर लेंगे उनको। समझो मान लो एक कमरा है, हमारे ठाकुर जी विराजमान है, हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं, हम एक अलमारी में विराजमान किए, शयन कराने के लिए जगह नहीं, एक ही कमरा है, तो आप भी हमारे सिराने जैसे तकिया रखी ना, इतना बड़ा तो मान लो बेड होता ही बिस्तर, तो सिराने वो हैं या हम लेटे हुए हैं या बच्चा लेटा हुआ है, अरे हमारे घर के सदस्य हैं प्रभु। भगवान को अपनापन चाहिए, प्यार चाहिए, वो सब भगवान भगवान भगवान, लेकिन हैं तो हम उन्हीं के, हैं तो उनके अंश, वह हैं कौन? हमारे प्रभु हैं, कोई परदेसी थोड़ी है, कोई और थोड़ी है, वो बहुत बड़े हैं लेकिन हैं तो हमारे ही ना, बात समझना है। अगर ये भाव है तो कोई परेशानी नहीं, अगर वैदिक सिद्धांत और वेद तो फिर बात अलग हो गई। अब देखो मंदिर में कैसे मर्यादा से सेवा होती है, घर में हम जो विराजमान, क्यों तो हमारे घर के ठाकुर हैं, मंदिर के ठाकुर के साथ तो हम व्यवहार वैसा नहीं कर सकते ना, कुछ क्षण दर्शन किए जब वहां तो सब वो राज दरबार है, लेकिन हमारे घर के जब वो राज दरबार से घर में आते हैं ना तो वो अलग बात होती है। राजा अपनी पोशाक और अपनी रुआब राज दरबार में रखता है, और जब घर में आता है ना तो पोशाक और रुआब दोनों बाहर कर देता है, तभी वो सुख पाता है। अपने घर के जनों अगर वो राज ठसक से रहे तो फिर घर में भी सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए जो वास्तविक प्रेम की उपासना है वो अपनेपन की उपासना है। ठाकुर मेरा यार है, ठाकुर मेरा दोस्त है, मेरा जीवन धन है, जो जैसे भाव से हम वैसे ही उनका सेवन करें। हम अलग अलग भावना है, हम उनका भी विरोध नहीं करते क्योंकि वो ऐसी भावना से हैं, यथामाम प्रपद्यन्ते, लेकिन हमारी भावना है कि ठाकुर जी हमारे घर के एक सदस्य हैं और सबसे बड़े सदस्य हैं, ये घर उनका है, हम सब उनके हैं, तो आया हुआ अतिथि भी उनका है, दर्शन करो, उनकी जूठन पाओ और आनंदित हो, तुम्हारा मंगल हो, हमें क्या डर इस बात से नहीं। ऐसा नहीं कि हम कोई केवल भावुकतावश बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ये प्रमाणित बात है। हम भगवान के अंश हैं, संपूर्ण सृष्टि भगवान है, और ठाकुर घर के हमारे मालिक हैं, हम उनके सेवक हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, कोई भी आए मालिक के पास जाके दर्शन कर सकता है, प्रणाम कर सकता है, क्योंकि हम उन्हीं की जूठन तुम्हें पवाएंगे, प्रभु का प्रसाद ही तुम्हें पवाएंगे। हमारे पास है क्या प्रभु के सिवा? जो कुछ भी है सब उनका है। कितना बढ़िया सिद्धांत, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लोग क्या कहते हैं ये तो सुन के पागल हो जाओगे, कभी भी लोग अच्छा नहीं कहेंगे। आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, अगर 50 आपको सपोर्ट देने वाले हैं तो 50 आपका विरोध करने वाले, कहीं भी कुछ भी, पूरे जीवन भर देखा है, हमको किसी की तरफ नहीं देखना, अपने मार अपने गलत नहीं होने चाहिए, अपना उद्देश्य ठीक है, व्यवहार ठीक है, चरित्र ठीक है, अब जिसको जो कहना कहता रहे, अपना उद्देश्य गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमारा दिखावा भाव आ गया कि हम भी भगत हैं, आओ देखो हमारे ठाकुर के, वो गलत हो जाएगा, और ये भाव हमारे मालिक हैं ठाकुर घर के, ये भाव मंगल में है। माधव पाठक जी, ऋचा पाठक जी भोपाल से, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, जन्म मृत्यु चक्र में अपार दुख है, मैं इससे मुक्त होकर भगवान के धाम जाना चाहता हूँ, हे नाथ मेरी रक्षा करो और मेरा मार्गदर्शन। हाँ सीधी औषधि राधा 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 राधा, जहां भी शरीर रहे खूब इससे प्रयत्न करो। ये शरीर बचा के रखने के लिए नहीं है, इस प्रयोग करने के लिए, माता पिता समाज खूब इससे रात दिन मेहनत करो, चतुराई इसी में है। जैसे
कंजूस आदमी किसी बलवान नौकर को पा जाए तो क्या करेगा, 8 घंटा उससे पूरा मेहनत करवाएगा कि निचोड़ लेगा कि 8 घंटे में हम 20 घंटे का इससे काम ले लें, क्योंकि कंजूस आदमी ऐसे शरीर से व्यवहार करना चाहिए। ये मैं नहीं हूं, ये मिला है यार, अच्छी कमाई करने के लिए मिला है। ब्रह्मचर्य से रहो, व्यायाम करो, गृहस्थी में जाओ, एक पत्नी व्रत से रहो, माता पिता पड़ोसी मोहल्ला देश सबकी सेवा के लिए अपने जीवन को, और राधा राधा राधा, मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। अच्छा, सब छोड़ दो, कपड़े बदल लो, अंदर गंदी वासना है, गंदी बातें हैं, भजन है नहीं, नरक जाओगे नरक। समझ रहे ला, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परे, लिखा हुआ है। भेष रख लिया और वास्तविक जो भजन शैली है उसे स्वीकार नहीं किया, सच्चाई, तो फिर यात्रा वहीं की होगी, तुम्हारा भेष रोग थोड़ी लेगा। पैंट शर्ट में हो, सच्चे आदमी हो, सबकी सेवा की भावना है, भजन करते हो, यात्रा आपकी भगवत धाम की होगी। भेष है भगवान का भजन है तो जगत पूज्य तो है ही है, पर अगर भेष है भगवान का भजन नहीं है तो आज नहीं तो कल पोल तो खुली जाएगी। ढोल में जो पोल है वो बजे भले बजे, एक दिन जब फटेगा ना तो पता चल जाएगा पोल है। और सत्य से चल रहे हो ना तो त्रिभुवन में कोई परास्त कर नहीं सकता। मुझे लगता है कि भागने भूगने की ज्यादा जरूरत है नहीं, जहां हो वहीं डटकर अपने कर्तव्य का पालन करो, खूब नाम जप करो और 4 को सुखी करने की भावना रखो, भगवान मिल जाएगी, मंगल हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा था कि जैसे कि अभी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं, अपने अपने रहन सहन धर्म में हैं। कभी मंदिर गए हो, बड़ा मंदिर जिसमें बहुत से देवता विराजमान हो, गए हो मंदिर में कभी? कभी भैरव जी, कहीं सुंदर राम रूप, कहीं श्याम रूप, आप सबको प्रणाम करते हो ना, ये मंदिर है संसार, विश्व रूप में मेरा भगवान ही आता है, कई लोग नहीं होते, ये भगवान का विश्व मंदिर है। और विराट रूप भगवान का जो चित्र में बनाया गया है कल्पना के द्वारा, आपने देखा है कितना भयंकर रूप, कितना सुंदर रूप, तो कोई बुरी बात कहने वाला, कोई अच्छी बात कहने वाला, कोई अच्छे आचरण वाला, कोई बुरे आचरण वाला, लेकिन है तो विराट भगवान के अंतर्गत ही। मुझे भगवत भावना करनी, अपनी जॉब के अनुसार भारत करनी है, कर्तव्य करना है, राधा राधा रटना है, खान पान अपना जैसा जितना ठीक कर सको ठीक करना है, सबकी सेवा, कोई समस्या नहीं। देखो हम समस्या पालते हैं दिमाग में, अगर समस्या पाले नहीं ना, सब सम्राट है अम्बरीश जी, सम्राट मतलब कोई समझते हो, संपूर्ण राजाओं के ऊपर शासन करते हुए एक छत्र राज्य है उनका, और भगवान के मान भक्त है। जब सम्राट भक्त हो सकता है, युद्ध करते हुए अर्जुन योगी और भजनानंदी हो सकते हैं, तो फिर भैया क्यों आप नहीं हो सकते? भागने की जरूरत का है, कहां भाग के जाओगे? बस हमारी भावना नहीं बन पाती ना सामने। हम कहते हैं कि अगर सब में भगवत भावना करो तो आपको, एक शराबी मिला, हम कई बार बता चुके हैं, ब्रह्मावर्त बिठूर गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे, नई अवस्था थी, वो अपना गंगा जी की धारा के किनारे बैठा, बुलाया, देखने सुनने में अच्छा, मतलब अच्छा तो जी, अब बाबा जी थे तो नई अवस्था थी, तो वैसे भी जी बैठ बैठ, बदबू से लगा कि हाँ शराब पिए, पर बहुत हमारा उस समय दिमाग जो है बहुत ही प्रवीण, पागल से बात करना, मूर्खों से भी बात करना, सब सबके अंदर मतलब कुछ खोज, जैसे एक नहीं होती खोजी की, तो हम जैसे पागल आदमी हम घंटों उसके पीछे लगे रहते थे, मतलब एक दिमाग में खोज चालू थी, क्या है, क्यों हुआ है पागल, इसका क्या, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों, मतलब इतने प्रश्न दिमाग में उठते कि उसको समाधान करके फिर बैठ गए उसके पास, बिल्कुल जैसे मित्रवत। कब बाबा जी बने? जी कब से बने? वो काफी वर्ष हो गए, 13 साल के थे तब घर से निकल पड़े, आओ हमारे साथ आओ। डर नाम की चीज हमारे जीवन में नहीं रही, भगवान की कृपा से जैसे बच्चा निकले गंगा के, तो एक भय नाम की चीज नहीं कि कोई आदमी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, भय नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि हमें विश्वास था मेरे भगवान मेरे साथ हैं। गए तो हम सोचा कहाँ ले जाएगा, देखते हैं 10-20 कदम चल के, तो ले गया बैकुंठ धाम लिखा हुआ था, ऊपर चढ़ा और सीढ़ियों के पास खड़ा होकर देखा गरुड़ में भगवान विराजमान, वो बैकुंठ धाम की शोभा और भगवान के और भी विग्रह। बोले देख रहे हो? हाँ जी देख रहे हैं।
बोले देखो ये जो मूर्ति जब बनी ना तो इसके ऊपर चढ़ के और इसका तिल तिल काटा गया है आंख नाक कान बनाने वाले ने, आज ये पूज रही है। जानते हो काहे की बनी? संगमरमर की। बोले नीचे जो कोई अलग है संगमरमर। बोले एक जो तिल तिल काटने पे टूटा नहीं वो पूज रहा है और एक पैरों से रौंदा जा रहा है, समझ रहे हो? काटने से भी टूटना नहीं चाहिए, वही पूजता है। हमने प्रणाम किया था, जैसे संत को प्रणाम किया जाता है ना, उस शराबी को प्रणाम किया कि भगवान आप इस रूप में शिक्षा। बोले जिंदगी में कभी टूटना नहीं, वो शराब पिए हुए था। अगर हमारी भगवत भावना तो हमें क्या उपदेश कर रहा है, जीवन भर याद रखा है उसकी बात को, जीवन भर। और कई बार सत्संग में सुनाया है, शराब पिए हुए हमें उपदेश किया था लेकिन जीवन भर ध्यान रखा मेरे भगवान ने कहा, जहां कोई भारी संकट भारी परिस्थिति तो ध्यान आ जाता, टूटना नहीं जीवन में, टूटना नहीं, चुपचाप सहते रहो आगे बढ़ते रहो। भैया कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, हमारा भाव गड़बड़ है। अगर हमारा भाव ठीक हो जाए तो हर जगह से हमें सपोर्ट मिलेगा हमारे भाव के अनुसार। और जब हमारा भाव ही गड़बड़ हो गया कि शराबी दुष्ट नीच है, अब हम उपद्रव करते हैं उससे तो गाली दे के भगा देता, और जब हाथ जोड़ के पीछे पीछे चले तो हमें ऐसा उपदेश दिया, समझ गए ना? एडवोकेट देवेंद्र गोस्वामी जी, महाराज श्री 26 जनवरी को यूट्यूब पर अचानक आपका सत्संग देखा और पूरा जीवन ही बदल गया। श्री राम नाम का पत्नी सहित जप करता हूँ, प्रतिदिन अपनी पत्नी और दो बच्चियों के साथ श्री रामचरित मानस का पाठ करता हूँ। महाराज श्री नाम जप के बाद शुभ कार्यों के लिए मन प्रेरित करता है, दान तीर्थ यात्रा एकांतवास की इच्छा होती है पर कर नहीं पाते, शुभ कार्य की इच्छा भी क्या मन की माया जाल है? नहीं नहीं, इसमें इसमें ध्यान देना है, शुभ कार्य की इच्छा हृदय पवित्र हो रहा है इसलिए हो रही, क्योंकि आप जो भगवान के पावन जस का गान कर रहे हैं वो हृदय के मल का नाश करने वाला है। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। जब हम प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं तो हमारे हृदय पवित्र होने, पवित्र हृदय का स्वरूप क्या होता है? दूसरों को सुख पहुंचाना, उसे आप शुभ आचरण से जोड़ रहे हैं। हम अपनी भावना से सोच कैसे दूसरों को सुख पहुंचाएं, दान पुण्य का भाव, जैसे कि हम 100 रुपया देंगे तो 1000 मिल जाएगा, ये कोई खास बात नहीं। खास बात ये कि भगवान ने मुझे 100 रुपया दिया है, अगर हम इसमें से 10 बचा के और किसी बीमार की दवा में लगा देते हैं, किसी भूखे के पेट में, किसी नंगे अपवित्र शरीर वालों कपड़ा पहना देते हैं, या कहीं किसी ऐसे साधु महात्मा की चरण सेवा में आ जाता है तो हमारे कमाए हुए धन का अहोभाग्य। वो जो बात है ना जो आप कहना चाहते, वो ये भगवत सेवा भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा, ऐसा भाव होगा ही। संतों का हृदय जब भगवत स्वरूप में मगन होने लगता है तो उनको दुख केवल एक ही बात का होता है, उनको भी होता है दुख, वो दुख सुख से परे हैं पर उनको भी दुख होता है कि इतना सुंदर मानव दे, इतना बढ़िया अवसर कि भगवान का नाम जप करके परम सुखी हो सकते हैं, लेकिन ये पापाचरण करके भगवान के नाम को छोड़ करके ये कैसी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, ये देखकर बड़े बड़े संतों का हृदय दुखी होता है। यद्यपि वो दुख सुख से परे है पर वो पर दुख दूसरे को दुख को यही सबसे बड़ा दुख है। भगवान का भजन कर रहा है और उसकी हर विपत्तियां घेरे हुए हैं, उसे संतों ने दुख नहीं माना। परम संत श्री हनुमान जी महाराज महाभागवत कह रहे, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जव तो सुमिरन भजन। तो ये हमारे हृदय में जो भावना पवित्रता उठ रही, इसको थोड़ा शासन में लेना है। शासन में यूं लेना है कि अगर हम ये करेंगे तो हमको ये फल मिलेगा, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना है। अगर हम ये करेंगे तो हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, जो अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु अपने चरणों की भक्ति दे देंगे, तो वो दान पुण्य शब्द से खत्म हो जाएगा, वो सेवा भावना आ जाएगी। और भगवत सेवा की भावना से हम किसी की भी सेवा कर सकते हैं, पशु पक्षी मनुष्य देवता किसी की भी, और जिसकी सेवा करेंगे तो उसका फल होगा, अखिल लोक चूड़ामणि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसी भावना करो, अधर्म से कमाए हुए धन से कभी धर्म की एक भी वृत्ति पूर्ण नहीं होती, ये बात समझ लो। जैसे मन में आ जाए ना कि अगर इस झूठे केस पर हम विजय प्राप्त कर लें तो मुझे 5 लाख मिलेगा, 5 लाख में 3 लाख रुपए हम संतों में लगा देंगे, 2 लाख रख लेंगे, तो ना तो संतों को सुख पहुंचाएगा और ना उसको आपका सुकृत मिलेगा,
क्योंकि आपने उसकी जो मूल वृत्ति है वो अधर्म से की है, तो अधर्म का कमाया हुआ धन जहां संतों के पास जाएगा तो उनकी बुद्धि में फर्क डालेगा, भजन में विक्षेप डालेगा, तो उसका अपराध आपको लगेगा और आपके पास जो 2 लाख बचा है वो आपको सुख शांति से रहने नहीं देगा। धर्म से 10 रुपया कमाओ, 9 रुपया खर्चा करो अपने सब कार्य में और सब 1 रुपया का नमक लेके जहां संत भंडारा होता है वहां दे दे जाके, बहुत बड़ा भंडारा हो गया आपका, जरूरत नहीं 10 रुपया खर्चा करने। बात समझना हमारा, 4 रोटी बनाई है उसका 1 टुकड़ा निकाल लो, ऊपर पक्षियों को छत के में डाल दो, पक्षी 1 गाय को दे दो, बाहर दरवाजे में निकल के देखो कोई अतिथि कोई संत भगवान कोई भूखा तो नहीं, भले कोई ना हो पर आपने देखा ना तो आपको सुकृत भगवत प्राप्ति के योग्य बना देगा। समझ रहे ना आप हमारे जी? सौरभ जी जी आपका प्रश्न है कि महाराज जी आपने वृंदावन धाम में रहने के तरीके भी बताए हैं, परंतु जो आज वृंदावन धाम का जो स्वरूप बदल रहा है क्या वो आपके हिसाब से ठीक है, क्योंकि वृंदावन का स्वरूप तो लताओं और वृक्षों के बीच में ही है। हाँ, पर वैसे वृंदावन तो कालातीत है, त्रिगुणातीत है, मायातीत है, पर जहां हम बैठे हैं हमारी दृष्टि प्राकृतिक है। ध्रुवदास जी ने कहा है नैन अछत दीखत नहीं यह माया कर रूप, हमारे जो अभी चश्मा लगा है वो माया का लगा हुआ है, यहाँ न कोई बिल्डिंग है न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, यहाँ चिदानंद धाम है और सब प्रियालाल की प्रिय सहचरियां हैं, क्योंकि निज महल वृंदावन है, बाहरी रूप में स्त्री पुरुष अच्छा बुरा मकान बिल्डिंग ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन आंतरिक दृष्टि में नवीन नवीन कुंजे जिनमें हमारे प्रियालाल बिहार, यही वृंदावन यही है। अब प्रगट में जो वृंदावन की शोभा पहले थी आज के 25-30 वर्ष वो अब नहीं, जो 500 वर्ष जब महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी पधारे वो 25-30 वर्ष पहले नहीं थी जो हमने देखा, अब जो अभी है अब धीरे 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 और आगे, पर वृंदावन तो अपरिवर्तनशील है, नित्य चिदानंद धाम है, उसमें कभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। रजरानी वही है, गिरिराज जी वही है, यमुना रसरानी यहाँ की जो कुंडलाकार है ये अलग है, ये यमुना जी का जो स्वरूप यहाँ है, ये जो कलिंद पर्वत से प्रकट हुई कालिंदी नाम से यमुना जी वो आके हमारी यमुना जी में मिली है, ये जो हमारी यमुना जी है ये ब्रजेंद्र सोनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयो महारसादि पूरयो रिवातिथि विवेगता बहिस्मुच्छलन नव प्रवाह रूपिणी महम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोहभन। हमारे लाडली लाल के हृदय का प्रेम उछलित होकर के ही श्रृंगार मूर्ति यमुना कुंडलाकार यहाँ की यमुना कलिंद नंदिनी आके मिली है, इसीलिए इनको कलिंद नंदिनी कहते हैं, ये हमारे प्रियालाल के हृदय का प्रेम मूर्तिमान, यहाँ की रज यहाँ की वायु यहाँ का जल और यहाँ का भाव महिमा कोई नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं बदल सकता, ये नित्य और अक्षित वृंदावन है, इसका कभी क्षय नहीं हो सकता। बाहरी रूपों का परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है वो मायाकृत हमारे नेत्र हैं, हम असली वृंदावन को इस स्वरूप को नहीं देख पाएंगे जब तक बिहारी बिहारी जो हम पर कृपा न करे। भगवत रसिक जी कहते हैं चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोए, वृंदावन देखने के लिए चश्मा अलग है, जैसे भगवान श्री कृष्ण को नित्य प्रति निरंतर अपने समीप अर्जुन जी देख रहे हैं, लेकिन जब वही विराट स्वरूप दिखाने की बात आई तो कहा श्री कृष्ण को देखने वाले नेत्र हैं अर्जुन के, कहा इन नेत्रों से तुम विराट रूप को नहीं देख सकते हो, जिन नेत्रों से तुम अपने श्री कृष्ण प्रिय प्राण सखा को देख रहे हो, इस सखा का एक रूप विराट रूप है, उसे देखने के लिए तुम्हारे दिव्य नेत्र अभी होंगे तब तुम देख पाओगे, अभी नहीं देखने के सामर्थ्य। तो दिव्य नेत्र दिए और जब विराट रूप देखा तो भूल गए कि मेरा सखा है और कांपने लगे अर्जुन, भगवान के रूप को देखकर कांप रहे हैं और वंदना तुमादि देवा पुरुषा पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमं च धाम त्वया तम विश्व मनंत रूपम वायुर्मुग्निर वरुणा ससंका प्रजापति स्तम। बार बार सब नमस्कार कर रहे मरुदगण देवता आदि, अर्जुन कांप रहे देव ये मेरे प्रभु का स्वरूप, तो ये है विराट रूप, और विराट रूप से भी बढ़कर भगवान का है प्रेम रूप जो वृंदावन नवनिवृत निकुंज,
इसमें तो उस दिव्य दृष्टि से भी नहीं देखा जा सकता जिस दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया, उस दिव्य दृष्टि से भी इसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये सब सामर्थ्य तो भगवान शंकर और ब्रह्मादि में विराजमान है, उनको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं, वो दिव्य दृष्टि संपन्न नहीं है। और हमारे यहां कहा न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिविर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम, जो परम रहस्यमय हमारे राधा माधव का नित्य क्रीड़ा स्थल वृंदावन और उनकी जो नित्य क्रीड़ा स्थली है ये प्यारोढुम क्षमते ये नय अच्छी सुखादि नाम तु ध्यानगम, तो ये अपरिवर्तनशील वृंदावन है, ये अनित्य वृंदावन नहीं नित्य वृंदावन है। पर हमारी दृष्टि माइक है, ये जब तक नहीं हटेगी तब तक बात बनेगी नहीं। वृंदावन में चाहे कोई भी आवे कितना भी उपद्रव आवे, मेरी लाडली जी का वो कृपा पात्र बना तभी आया है। अच्छा अब कलयुग है, अन्य साधनों में जो भगवत प्राप्ति की बातें थी वो साधन होना बहुत कठिन हो गया, तो अब धाम की कृपा रह गई है। जैसे ये चद्दर है, इसे हम फैला दे तो चार कोने हैं, चद्दर में चार कोने होते ना, तो धाम नाम रूप और लीला, प्रभु की लीला में प्रवेश पाना बहुत दूरी की बात, प्रियालाल के रूप के ध्यान में मगन होना बहुत दूरी की बात है। प्रियालाल का रूप संभाव्योपी विरंचे नारद शिव ऐसा वर्णन करते, यह नारदा जे सुकई रगम्यम वृंदावने वंजुल मंज कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणे के विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। अब नजदीक बचा नाम और धाम, चार कोने हैं उपासना के, धाम नाम रूप लीला। अब निरंतर नाम जब कर सके ऐसी सामर्थ्य बहुत बड़े अच्छे पवित्र हृदय वाले में होती है, जहां अशुभ आचरण हो रहे हैं वहां नाम जप हो पाएगा। अगर किसी का कुछ भी नाम जप होता है तो किसी न किसी महापुरुष संत की कृपा है, बिना संत कृपा के नाम में प्रीति नहीं होती है, नाम जप नहीं होता, तो नाम जप भी बहुत कठिन विषय बन गया। अब धाम बचा, धाम में सब कुछ विराजमान है, नाम भी है चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा, यहाँ तो राधा राधा पत्ता पत्ता बोलता है वायु में, यहाँ राधा गूंज, यहाँ का कण कण किशोरी जू का प्रेम प्रदान करने के सामर्थ्य रखता है, इसी यही वृंदावन, यही वर्तमान वृंदावन, एक एक कण में इतने सामर्थ्य है कि एक बार आप आ गए हो बाहर से वृंदावन, आपको यमराज की नगरी देखने को कभी नहीं मिलेगी। अब चाहे जो कुछ हो जाए, हम वाणियों के अनुसार कहते श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे एक बार यहां आकर के मस्तक नवा दिया वृंदावन की भूमि में, एक फूल को आपने देख लिया है, बिहारी जी को तो बात जाने, एक फूल को देख लिया वृंदावन की, तो आप तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी क्योंकि तुम धाम आ गए हो, प्रियालाल के निज धाम आ गए हो। पर ये जो लताओं के प्रति हमारी अप्रियता है ये हमारा दुर्भाग्य है वर्तमान में प्रगट में भी, कि जमीन खरीदी जाती है और लताओं को काट करके बिल्डिंग बना दी जाती है, ये वृंदावन के लिए तो नहीं है। वृंदावन में अगर आप 100 गज जगह खरीदे तो छोटे से ही सही 2 पौधे लगाएं, एक कुटिया बना लें, पौधे जरूर होने चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर लता भवन सुख शीतल छहां श्री हरिवंश रहत नित जहां तहां न वैभव आन की। अब लताओं को कटवा कर आप फ्लेट बना के उसमें रहेंगे फिर आपका भजन बढ़े तो मुझे कम समझ में आता है। हाँ हम ये नहीं कहते वास करने के लिए आपको व्यवस्था चाहिए, पर एक लता लगाने की काटने की तो सोचना ही नहीं चाहिए। वहां तो लिखा हुआ है हरिराम व्यास जी ने वाणी में कहा है कि कोटि गौएं और कोटि ब्रह्म ऋषियों की हत्या का फल मिलता है यहाँ की एक लता काटने पर। तो हम ये प्रार्थना करेंगे प्रगट में वृंदावन आगंतुक वास करने वाले जनों से कि अगर आप 100 गज जगह खरीदे तो एक तो लता लगा ही दे, शेष आप अपना प्रयोग कर ले। छोटी छोटी लताएं जैसे तमाल है हर श्रृंगार है ऐसे से छोटे छोटे, और वहां भावना करें मेरे प्रियालाल पधारेंगे तो पधारेंगे, प्रियालाल का ये महल। पर लताओं का नाश हो जाना, यहाँ के पशु पक्षियों की हानि हो जाना, क्योंकि वृक्ष लताओं में अब मोरों की आवाज इधर आती इधर नहीं आती। जब हम अचल विहार में रहते थे ना 500 मोर नाचते हुए नजर आते थे, अब जब हर लता कट करके बिल्डिंग बड़े बड़े वृक्ष काट दिए गए, आप तो मतलब बहुत बड़ी हानि ये प्रगट में हो रही है। दुर्भाग्य कि हम लताओं का नाश करके और बिल्डिंगों का निर्माण करके सुख, इन बिल्डिंगों में क्या होगा? विषयी पुरुष
विषय सेवन करेंगे, भजन थोड़ी होगा। और आप किसी वृक्ष के नीचे बैठिए, देखो आपको कैसा महसूस होता है। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माए। रज में बैठे हैं लता के नीचे तो राधा राधा निकलेगा, और फ्लैट में बैठे हैं एसी के अंदर तो कामनाएं जागृत होंगी, वासनाएं जागृत होंगी। लता के दर्शन मात्र से रजोगुण नष्ट हो जाता है। श्री बिहारी देव जी महाराज स्वामी श्री हरदास जी के परिकर में तो उन्होंने कहा है कि ये जो प्रेम है वृंदावन का, ये प्रेम पदार्थ अति दूर है बिन से रज रूख। बिना रजरानी और वृंदावन की लताओं का सेवन के प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकता। तो प्रेम प्राप्ति के लिए आए वृंदावन, सबसे पहला काम किया दोनों चीजें हमें ना मिले तो प्रेम पदार्थ तो दूर हो गया, अब आप वास कर रहे हो कल्याण तो हो ही जाएगा क्योंकि महामहिम धाम है। पर प्रियालाल का प्रेम प्राप्त करने के लिए रजरानी का स्पर्श होना और लताओं का सेवन करना ये अत्यंत अनिवार्य है। पर अब क्या करें, लाख रुपया गज जगह मिल रही है, 50 गज जगह खरीदी बड़ी मुश्किल से, अब उसमें एक पेड़ खड़ा है, अब उसका दिमाग कावले करता कि करूं तो क्या करूं, बड़ी समस्या है। इस समस्या में अगर ऐसा कहीं हो सके कि लताओं को ना काटा जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। और वृंदावन तो जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा, इसके प्रभाव में अंतर आने वाला नहीं है। तुम्हारे भाव में तो अंतर आ सकता है, प्रभाव में नहीं। वृंदावन ही प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद कर ले। वृंदावन तो तारेगा ही तारेगा, कल्याण करेगा ही करेगा। बच्चे हो थोड़ा उपद्रव बन सकता है, लेकिन माँ की गोद में सोच कर देना भी माँ को दुलार लगता है, माँ नाराज नहीं होती। हम लोग ऐसे ही हैं कि हमारे द्वारा गलतियां हो सकती, पर डरना मत, वृंदावन अपने प्रभाव से तुम्हारा कल्याण करेगा। हो सके तो ब्रजवासी, ब्रजरज और ब्रजलता, इन तीन का प्राणपन से आदर करो, बहुत जल्दी प्रभु मिल जाएंगे। ब्रजवासी, ब्रजरज और ब्रजलता, इन तीन का यदि आदर किया बाहर से आकर के तो प्रभु निश्चित कृपा करेंगे, प्रियाजू निश्चित कृपा करेंगे। मैं बचपन से आपके दर्शन कर रहा हूँ, मधुकरी लेने जब आप आते थे तो मेरा घर भी वहीं पे, कुटिया मेरी वहीं पास में ही है। जी जी, तो लालू भैया के आते थे तो आपके दर्शन करता, तो मैं उसी गली से निकलते थे, बचपन से आपके दर्शन करते आ रहा हूँ। आज यहाँ पर आया, सौभाग्य मिला आपके। मैं ब्रजजन हूँ, वृंदावन का ही रहने वाला हूँ। तो मैंने एक पीड़ा उठाई है कि ब्रज का प्रचार हो चैनल के माध्यम से, जो भक्त बाहर से आते हैं उनके बात दूर दूर तक पहुंचे और भक्त बने ठाकुर जी के, राधा रानी के। तो मैं उसी को कार्य कर रहा हूँ, आप आशीर्वाद बनाए। हाँ, ठाकुर जी के लिए अपने लोगों का तो जीवन है ही। अब क्या है कि हमारे राधा नाम, वृंदावन धाम, भगवत प्रेम, भगवत चर्चा, यहाँ के जो गुप्त महात्मा जन है, आपका प्रयास उन सबके प्रति अगर ऐसा भाव ले करके है ना, तो महामहिम है। वो हमारे ब्रज के संतों के दर्शन करेंगे, वो हमारे ब्रज की बातें समझेंगे, हमारे ब्रज की महिमा समझेंगे, और कभी आ गए तो मंगल हो जाएगा। भावना हमारी यही होनी चाहिए, इसमें मंगल भावना जो आपकी जागृत है उससे भगवान की कृपा भी मिलती है। लाडली लाल बरसते भी हैं, उन्हीं की कृपा ही मूल है, उनकी कृपा हो जाए तो फिर दुर्लभ क्या है। और हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आप ब्रजवासी हो, आप वृंदावन वासी हो। कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहे हमारे श्री। हम तो वृंदावन वासी, राधा उपासी, राधा राधा रटते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपको जो गुरुदेव ने दिया हो वो नाम निरंतर रटे, नाम सब प्रभु के समान है पर गुरु प्रदत्त नाम की विशेष महिमा है। जो गुरुदेव भगवान के द्वारा श्रीमुख से निकला हुआ नाम है वो हमारा जीवन बन जाना चाहिए, हमारी धड़कन बन जाना चाहिए, हमारा परम सर्वस्व धन हो जाना चाहिए। नाम है तो सब ठीक है, हम किसी विषय पर और नहीं बोलेंगे। नाम है तो तुम कोई भी हो सब ठीक है, कैसे भी हो हम कोई प्रश्न नहीं करेंगे, वो सुधार लेगा। पता है नाम बहुत बड़ा तारक है, अहोवत्सुपचतो गरीयान यज्ज्भ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। और नाम नहीं है तो हमें फिर और कहीं विश्वास नहीं। गुरु कृपा से जीवन में बात समझिए कि ऐसी ऐसी अपराध वृत्तियां हैं कि शास्त्रों जन्मों का सुकृत एक पल में नष्ट करवा दे। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के, इसी जन्म के नहीं बहुजन्म के, क्षण में डारे खोए। लेकिन नाम, आपने एक बार राम कृष्ण हरि राधा कहा, अपराध किया, दंड मिलेगा पर नाम नष्ट नहीं होगा। वो सुकृत नहीं है, वो कोई प्राकृतिक क्रिया नहीं, वो चिदानंद प्रभु का नाम है। एक बार बोला है राम, वो जमा है, वो उठाएगा तुम्हारी धरा को, उठाएगा तुम्हें, बचाएगा तुम्हें, संभालेगा। लेकिन सुकृत
बहुत जन्म के सुकृत एक क्षण में साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। पर यदि भगवान नाम जप कर रहे हो तुमसे अवज्ञा भी बन गई तो तुम्हारा हृदय जलेगा, तुम्हें दंड मिलेगा पर तुम्हारा नाश नहीं होने देगा, नाम फिर जागृत होगा और हृदय में आपके वो सारे दुर्गुण विनाश करेगा जो भगवान को अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है नाम जप करो, अपवित्र हो या पवित्र हो कोई प्रश्न नहीं है, आप साधन परायण हो या असाधन आपको घसीट रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं है, आप कैसे हो कौन हो कहां हो क्या करते हो कोई प्रश्न नहीं, जो हो जहां हो जैसे भी हो भगवान नाम उच्चारण करो महामंगल। बात शब्द याद कर लो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। सतरति सतरति सा लोकांतारयति, ऐसी सामर्थ्य नाम में केवल विराजमान है। नाम है तो बस जीवन है और नाम नहीं है तो जीवित सौ समानते प्राणी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आली जीवित सौ, सौ माने मुर्दा, जीते जी मुर्दा को देखना है तो भगवत विमुख आदमी है, जो भगवत विमुख है वो जीते जी मुर्दा है, जैसे मुर्दा छूने के बाद नहाया जाता है ना ऐसा वो अपवित्र है। और अगर नाम चल रहा है तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतर शुचि, अभ्यंतर और बाह्य दोनों से पवित्र हो गया, जहां नाम उच्चारण किया मंगल ही मंगल हो गया। आई महाराज जय जय श्री राम जय जय महर्षि। राजस्थान में संगरिया जगह वहाँ शास्त्री जी महाराज स्वामी दयानंद जी महाराज लाओ उन संत भगवान को माला पहना माला पहना। बड़ी कृपा महाराज बड़ी कृपा। अब शरीर या व्यवस्था कर हम तो कहीं जा नहीं पाते, पर जैसे माता दुलारवश अपने पुत्र, तो ऐसे आप सब आके दुलार करते हैं, आके दर्शन देते हैं। ये हमारे प्रभु के हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि आप संत जन अहेतु की कृपा करके आते हैं दर्शन देते हैं। संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है संत समागम, और सब कुछ लग सकता है, तपस्या आदि के द्वारा लोक लोकांतरों का वैभव प्राप्त हो सकता है, पर संत समागम में तपस्या से भी नहीं मिलता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगत होता है, भगवान की जब हेतु की कृपा होती है तो उनके लाड़ले जनों का सानिध्य प्राप्त होता है, और ये सानिध्य ही भगवत प्रेम प्रकट करने में समर्थ है। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ना हो तो चाहे कोई कितना भी साधन कर ले उसका यही फल होगा, भगवत प्रेमी महात्मा मिलेंगे, नहीं तो प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता, और कुछ भी प्राप्त हो जाए उस पर हमें संशय नहीं है, पर भगवत प्रेम तो केवल भगवत प्रेमी महात्मा हो। आज बड़ा मतलब आश्चर्य में बात लगी भरद्वाज जी की, भरद्वाज जी कह रहे कि भरत देखो हम तुमसे झूठ नहीं कहते क्योंकि हम उदासीन तापस बन रहे हैं, हम उदासीन है अर्थात न किसी से मित्रता न किसी से शत्रुता, तपस्वी अर्थात हम हर प्रकार से अपने इंद्रियों को केवल भगवान में लगाने वाले, इससे बड़ा कोई और तप नहीं होता, और हम वनवासी हैं अर्थात हमें राजकीय भोगों से कोई तात्पर्य नहीं कि हम किसी की मुँह पर ही बात करेंगे। सुनो सुनो भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस क्या हमारी समस्त साधना का फल मिला सिया राम जी का दर्शन, और सिया राम जी के दर्शन का फल मिला आपके दर्शन में, ये बड़ा आश्चर्य की बात रही कि भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन भगवान के दर्शन का फल, ये बता रहे, मतलब हमारे प्रभु जब हम पे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं अत्यंत, तब अपने प्रेमी माँ भागवतों का सानिध्य, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हठ दिला, अपनी तरफ से आकर आप दर्शन दे, ये हमारी लीला है। अच्छा।
नहीं बिल्कुल बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, नाम में बहुत सामर्थ है, जो गलती हो गई वो आगे मत करना। हाँ कोई बस अब बोलो मत नाम जब करो और अबलो नशानी अबना न सही हो, ये बात स्वीकार कर। से आया हूं, एक मंदिर आपको सुना दीजिए, आप बैठ के बोलते जाइए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सामवेदाय नमः, अधिपाताय मित्रापाताय छत्रापाताय सहपाताय धनापाताय नामः मन्यना वित्राः सूर्ये नस्वाराढग्ये नामागावा दक्षिणा यप्रिया तनोराग्या वितंदाधार विद्वस्तष्टा वित्रेण सुचिपातिरन्ये नागः पृथिव्या त्रीणि कोग्निना विद्वम्भूतमा व्यावो वायुना विश्वा प्राजा अभ्यापवथावसत्कारे णार्धावाक्तो मे नतो मापा समित्या परमेष्ठी
जय देवा देवा निविताभ्यो भो देवा देवेभ्यो नमः। जय देवा देवा आतादः तिष्ठतेभ्यो भो देवा देवेभ्यो नमः। ये देवा देवा अस्तु सादः तिष्ठतेभ्यो भो देवा देवेभ्यो नमः। ये देवा देवा आवज्यामि वा धन्वानो विते मन्यन्नायामसि मृडतान्न इह अस्मभ्यं क्रीडाभा। यैदं विश्वम्भूतं यो आव वा या उहो वा ॐ विष्णुदेव नमः। तो ब्राह्मण देवता को माला पहनाओ।